ताजा आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। 8 नोव्हेंबर रोजी एमआयएमचे गटनेते तथा नगरसेवक रियाज खरादी यांनी प्रभागातील खराब रस्त्यांच्या कारणामुळे महापालिकेच्या आवारात मुंडन आंदोलन केले होते। त्यावेळी आयुक्त पी शिवशंकर यांनी आचारसंहिता संपल्यानंतर खराब रस्त्यांची पाहणी करतो असे आश्वासन दिले होते। त्या अनुषंगाने आज प्रभाग क्रमांक 14 येथील आयुक्त यांनी मुस्लिम पाच्छापेठेतील खराब रस्ते, सार्वजनिक शौचालय, कचरा कुंडी यांची पाहणी केली व नवीन रस्ता करण्याचे यावेळी पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी आश्वासन दिले। यावेळी उपायुक्त धनराज पांडे, सहायक आयुक्त विक्रम पाटील, नगरसेवक रियाज खरादी आदि जन उपस्थित होते। प्रभाग 14 में जो रस्ते खराब हुए थे, इसके लिए हमने एक महीना पहले आंदोलन किया था, मुंडन आंदोलन। तो उस वक्त आयुक्त पी शिवशंकर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं आपके प्रभाग में विजिट करूंगा। तो आज यहाँ पर शिवशंकर साहब ने विजिट किया, हमने उनको पूरे प्रभाग का दौरा करके बताया कि कहाँ पर कचरा ज़्यादा है, कहाँ पर कचरा पॉइंट बंद करना ज़रूरी है, और जो स्वच्छ भारत में जो टॉयलेट दुरुस्ती का जो भ्रष्टाचार चल रहा था वहाँ पर हमने ले जाकर इनको विजिट करके दिखाया, और साहब ने रस्ते के भी विजिट किए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यक निधि और DPDC में से ये रस्ते मंजूर कर आपको बना कर देंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है।